और आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वकीलों से मुलाकात की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि संविधान बचाने के लिए 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक मार्च निकाला जाएगा। इसमें भारी संख्या में हरियाणा से वकील हिस्सा लेंगे। वहीं उन्होंने जेजेपी पर राजस्थान में चुनाव लड़ने को लेकर भी निशाना साधा है। सभी वकील साथियों से यह अनुरोध करने के लिए यहां पर पहुंचे थे कि 10 अक्टूबर को संविधान बचाओ मार्च दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से हरियाणा और दिल्ली के 10,000 वकील साथी इस मार्च में हिस्सा लेंगे और एक सिग्नेचर कैंपेन के जरिए करीब 25,000 वकील साथियों के सिग्नेचर्स एक मेमोरेंडम पर लिए जा रहे हैं, जिसमें इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। वो मेमोरेंडम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस दिन मार्च के बाद दिया जाएगा। हरियाणा में उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए आजकल राजस्थान के दौरे पर हैं। कुछ पार्टियां हैं जिनको समझ आ गया है कि उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए शटर डाउन करके अपने आप दूसरे राज्यों के अंदर अपना भविष्य आजमा रहे हैं। कुछ पार्टियां हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आया है।